लेपर्ड यानी कि तेंदुआ एक ऐसा जानवर है जो शिकार करते वक्त ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है। यदि तेंदुए को भूख लगी होगी तब ये मछली, बंदर, हिरण, यहाँ तक कि चूहों को भी अपना भोजन बना लेता है। कहा जाता है कि तेंदुए काफी शर्मीले किस्म के जानवर होते हैं, इसलिए इन्हें ज्यादातर रात में शिकार करना ही पसंद होता है और ये दिन में आराम से सोते हैं। बिल्ली की इस प्रजाति को प्रकृति ने एक एक्स्ट्रा स्किल देकर नवाजा है और इसी स्किल के सहारे ये अपने शिकार को गर्दन से दबोच लेते हैं और जब वो मर जाता है तब ये उसे लेकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और वही इन्हें अपना भोजन बनाते हैं। इनके पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होने की वजह से पेड़ों पर रहने वाले जानवर भी इनसे सुरक्षित नहीं होते। हमारे आज की इस वीडियो में तेंदुए के कुछ बेहद ही मजेदार शिकार करने के कारनामे दिखाने जा रहे हैं। लायन और लेपर्ड। दोस्तों, यदि शेर और तेंदुए के बीच में लड़ाई हो तब आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में आखिर कौन जीतेगा? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब शेर ही होगा, पर हमारी यह क्लिप आपको अपना जवाब बदलने में मजबूर कर देगी। वैसे आप जानते ही होंगे कि शेर अपने झुंड के साथ ज्यादा समय बिताता है जबकि तेंदुआ अकेले रहने वाले जानवर होते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तेंदुआ अपने शिकार को मुंह में दबाए हुए पेड़ पर चढ़ रहा है। यहाँ पर इसे अपने शिकार को शेर के झुंड से बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। पेड़ के नीचे कई सारे शेर और शेरनियों ने इसे चारों तरफ से घेर रखा है। ऐसे तो शेरनियां खुद भी शिकार करने में काफी सक्षम होती है, मगर जब जंगल में कई दिनों से खाना ना मिला हो तब ये दूसरों का शिकार छीनने के लिए मजबूर हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेंदुए के शिकार को छीनने के लिए शेरनी इस पेड़ पर चढ़ती है, मगर ये तेंदुआ शेरनी के पकड़ से काफी दूर यानी कि ये पेड़ के और ऊपर चला जाता है। तेंदुआ शेरों के इस झुंड से अपने शिकार को बचाने के लिए पेड़ पर ही उसे खाना शुरू कर देता है। शेरनी हार मानकर पेड़ से नीचे उतर जाती है। इसके बाद शेर पेड़ पर चढ़ने की खुद ही कोशिश करता है, मगर बेचारा शेर भी इसमें असफल हो जाता है। कुछ देर तक ऐसे ही चलने के बाद अंत में तेंदुआ शेरों के झुंड को उसके शिकार से दूर रहने की चेतावनी देता है और फिर सभी शेर और शेरनियां हार मानकर तेंदुए से दूर हो जाते हैं। तेंदुआ और बबून। बबून एक बड़े आकार का बंदर होता है जो केवल बड़े मैदानों में ही पाया जाता है। तेंदुए की इस बंदर से विशेष दुश्मनी है क्योंकि एक तो ये बंदर तेंदुए के मेन शिकार में शामिल है, दूसरा ये बंदर तेंदुए के छोटे बच्चों को भी उठा ले जाता है, जिस वजह से मादा तेंदुआ की इससे जानी दुश्मनी है और ये इसे देखते ही इस पर हमला करके उसे मार देती है और खा भी जाती है। इस वीडियो में एक मादा तेंदुआ बबून पर घात लगाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक तेंदुए की ऊंचाई 2.5 फीट से ज्यादा हो जाती है और ये अपना पेट चिपकाकर इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि बेहद छोटी झाड़ियों में भी इन्हें देख पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। ये मादा तेंदुआ इसी तरह से रेंगते हुए बबून के पास जा पहुँचती है और फिर झपट कर उसे पकड़ भी लेती है। हालांकि जमीन पर किसी बंदर को पकड़ पाना तेंदुए के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तेंदुए जैसा फुर्तीला जानवर इस काम को पेड़ पर भी अंजाम दे सकता है। इस दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक टहनी से दूसरे टहनी पर ये जंप मार कर तेंदुआ बबून को पकड़ लेता है। वास्तव में पेड़ों पर चढ़ने के मामले में तेंदुए जैसी गति किसी और जानवर में नहीं होती है। तेंदुआ और इम्पाला। तेंदुए के दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, वही कोई इम्पाला बड़ी आसानी से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यानी कि तेंदुआ किसी इम्पाला को दौड़कर नहीं पकड़ सकता, इसलिए किसी भी इम्पाला का शिकार करते समय तेंदुए को बेहद ही धैर्य के साथ चिपक कर हमला करना पड़ता है। ये अचानक से भगदड़ मचा के किसी इम्पाला के बच्चे के खोज में लगा रहता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये तेंदुआ झाड़ियों में छिपकर आहिस्ता आहिस्ता इम्पाला के नजदीक गया। इम्पाला मौके से भाग निकलता है, लेकिन अचानक मची भगदड़ के कारण एक इम्पाला बेवकूफी कर बैठा। ये भागने के बजाय तेंदुए की तरफ ही उछलकर भागने लग गया, जिस वजह से तेंदुए ने बड़े ही आसानी से जंप लगाकर इसकी गर्दन को पकड़ लिया और इस इम्पाला को पकड़कर उसका काम तमाम कर दिया। इम्पाला काफी तेज दौड़ते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए तेंदुए को किस्मत की आवश्यकता होती है। इनका किस्मत तो कभी साथ देकर भी
हाथ को छोड़ देती है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। इस तेंदुए ने इम्पाला को पकड़ तो लिया, लेकिन इसके शिकार में हिस्सा मांगने के लिए एक लकड़बग्घा भी आ पहुँचा। हालांकि तेंदुआ लकड़बग्घे का सामना कर सकता है, लेकिन लकड़बग्घे अकेले नहीं आते, ये झुंड बनाकर आते हैं। इस लकड़बग्घे का झुंड भी कहीं आस पास ही होगा। शायद यही सोचकर तेंदुए ने लकड़बग्घे से उलझना सही नहीं समझा। हालांकि तेंदुए जैसी कुशलता लकड़बग्घों में नहीं होती, तभी तो तेंदुए के पकड़ से छूटते ही ये इम्पाला लकड़बग्घे को अंगूठा दिखाते हुए वहां से भाग निकलता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।